मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर तीन तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए? मोदी जी आजकल खुद को मुस्लिम औरतों का हमदर्द बता रहे हैं, क्योंकि उनको मुस्लिम औरतों के वोट चाहिए। लेकिन हम 2002 को नहीं भूले हैं। बाबू बजरंगी की जुबानी सुनिए। ये वही बाबू बजरंगी हैं जिसे गुजरात हाईकोर्ट ने 97 लोगों की हत्या का जिम्मेदार ठहराया है। और मोदी राज में गुजरात में हुए 2002 के दंगा पीड़ितों की जुबानी भी सुनिए। जो गुजरात में नरेंद्र भाई ने किया है, कोई नहीं कर सकता। नरेंद्र भाई का साथ नहीं होता कि उसका प्रतिकार दे भी नहीं सकता, क्योंकि पुलिस सामने खड़ी थी, देखती थी, सब कुछ होता था, मगर पुलिस ने मुंह बंद और आंख बंद कर दी थी। पुलिस खड़ी थी, पुलिस ने कुछ भी नहीं करा। ये मारो ने काटो, यहाँ भाई चाहिए ही नहीं कि हमको भारत के अंदर। फिर मैंने ये छोकरा जला था, इसको मैंने उठा के इसको दीवार के पीछे फेंक दिया। किसी को नहीं छोड़ा, पनपने नहीं चाहिए। मैं तो आज भी बोलता हूँ, कुछ भी हो, लेडीज हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, काटने से हो, कुछ मारो काटो जलाना। भवानी ने आग में फेंक दिया मेरे छोकरे को, और मेरे को गुप्ती मारी तो गुप्ती जाके आगे गिर गई है। फिर भी बोल रहा अम्मी तुम भाग जाओ, तुमको मारने के लिए। मेरा बच्चा अखा जल रहा है और अपनी परवाह नहीं कर रहा, मेरा बच्चा अखा जल चुका और ये छोकरी मेरी वही तो इनकम तोड़ गई। औरतों के साथ में कैसा हुआ है? जो बचना चाहती है, आग में से निकलना चाहती है, तो निकल निकल के भाग रहे, उनको साथ भेज देती करिए बराबर। उस टाइम तो मजा ही होता था, कोई ने मुंह बंद कर लिया, कोई ने नारे तोड़ दिए, कोई ने कुछ कराए। जिन उनके साथ और कोसर नाम की छोकरी हमारे साथ खड़ी थी, तो वो तो भारी पैर से तो थी, उसका पेट फार के बच्चा तलवार पे लिया गया। एक को प्रेग्नेंट थी, उसको हमने चीर दिया। उनको बताया कि क्या होता है। मेरी बेटी 3.5 साल की मेरी गोद में थी, उसको लेके पटक दिया नीचे। 3 जन ने मेरे पर बलात्कार किया और उनको मारने लगे, सबको मार डाला मेरी आंखों के सामने। हमको गर्व है कि ऐसा एक बार दो बार मौका आ जाए और भी। फिर हम टेम्पो लेके आ रहे थे देहलोल से कालोल में, तो वहाँ अम्बिका सोसाइटी है, वहाँ थे हमारे टेम्पो गिरा दिया सब। फिर हमारे आदमियों को सबको मारकर उसने के पेट्रोल केरोसिन डाल के उस लोगों ने जला दिया हमारे आदमियों को। वहाँ थे मेरे कपड़े उसने निकाल दिए थे। पुलिस वाले क्या करते? कुछ नहीं करते पुलिस वाले। जिस दिन नरेंद्र मोदी यहाँ से गौरव यात्रा लेके निकले, तो उन्होंने गौरव यात्रा कहाँ की? वो तो अम्बिका सोसाइटी में थी, वहाँ थे हमारे टेम्पो गिरा दिया सब, वहाँ पे उसने भाषण किया मोदी ने। अगर मियाँ तुम्हारा सपना एक है, तो सपना जोता बना जोड़ा पड़ी लगानी तैयारी। आजकल योगी आदित्यनाथ भी खुद को मुस्लिम महिलाओं के तारनहार के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए कुछ पुराने भाषणों पर नजर डालते हैं, जो बताते हैं कि वो कितने बड़े सांप्रदायिक हैं। जिस दिन ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, जिस दिन ये देश परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जैसे युवा सन्यासियों के हाथ में चला जाएगा, तो मुसलमान दोयम दर्जे का नागरिक बनेगा, तो उसके वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे। हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू। योगी आदित्यनाथ जैसे सांप्रदायिक नेताओं ने जम्मू के कठुआ के एक मंदिर में 8 साल की आसिफा के साथ बलात्कार और हत्या करने वाले लोगों को प्रेरित किया। भाजपा के जम्मू और कश्मीर के मंत्रियों ने आसिफा के बलात्कारी हत्यारों का साथ दिया और उनकी हिमायत में रैली निकाली। भाजपा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वीर सावरकर से प्रेरणा लेती हुई दिखाई देती है, जिन्होंने कहा था कि बदला लेने के लिए मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार करना चाहिए। लोगों ने भाजपा के मुस्लिम औरतों के हमदर्द होने के ढोंग को पहचान लिया है और भाजपा के खिलाफ आवाज उठ चुकी है। बीजेपी, भाई भाई, भाई भाई, भाई भाई, भाई भाई।